नमस्कार, मैं रविश कुमार। पिछले 24 घंटे से अगर आप भारत में मीडिया और पत्रकारिता को लेकर बहस कर रहे हैं तो एक चेकलिस्ट बनाइए ताकि आपको पता चले कि आप बहस के लिए बहस कर रहे हैं या फिर पत्रकारिता के लिए। अगर आप पत्रकारिता के लिए बहस कर रहे हैं तो देखिए कि उस चेकलिस्ट में जम्मू कश्मीर के उन 3 पत्रकारों का नाम कहाँ है जिनके खिलाफ आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाने वाली धाराएं, कानून की धाराएं लगा दी गई हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन धाराओं के लगाए जाने का विरोध किया है, निंदा की है। इनमें से एक है 26 साल की फोटोग्राफर मसरत जहरा। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। मसरत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए काम कर चुकी हैं, हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट करती रही हैं। ये गौहर गिलानी हैं, इनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट को लेकर UAPA का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि इनके पोस्ट से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ पूर्वाग्रह झलकती है। आरोप है कि गिलानी ने आतंकवाद का महिमामंडन किया है जिससे प्रदेश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। हिंदू अखबार के लिए काम करने वाले श्रीनगर के संवाददाता पीरजादा आशिक के खिलाफ भी UAPA के आरोप लगे हैं। पुलिस का आरोप है कि शोपियां एनकाउंटर को लेकर द हिंदू अखबार में फेक न्यूज़ छपा। न्यूज़ में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत थी। पत्रकार ने जिला के अधिकारियों से इसकी पुष्टि नहीं कराई। पीरजादा का कहना है कि शोपियां के जिला उपायुक्त को बयान के लिए उनसे SMS, व्हाट्सएप और ट्विटर से संपर्क करने का प्रयास किया था। पीरजादा का यह भी कहना है कि UAPA लगा दिया गया है लेकिन FIR में ना तो उनका नाम है और ना ही उनके अखबार का। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने इस पूरे मामले में कई जानकारियां दी हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार से बात की है और विजय कुमार ने उनसे कहा है कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति मायने नहीं रखता है। उन्होंने सोशल मीडिया या फिर कहीं पर क्या लिखा है वो मायने रखता है, ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है, बाकी कोर्ट तय करेगा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लिख देने से पत्रकारों के खिलाफ UAPA जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल सत्ता का दुरुपयोग है। हमारे सहयोगी नज़ीर ने इन दोनों पत्रकारों से बात की है। बातचीत सुनने के बाद आप वापस ट्विटर पर जाइए और देखिए कि क्या इस तरह की बातों को लेकर वहाँ कोई चर्चा है, तो आपको पता चलेगा कि जिस रसोई में आग लगी है उस तरफ कोई नहीं गया है, जिस रसोई से थाली गिरने की आवाज आई है उस तरफ सारा शहर दौड़ पड़ा है। मेरे साथ हैं मसरत जहरा। आप बताएं मसरत, जब आपको पता चला कि आपके खिलाफ पर्चा लगा है तो मंडे मॉर्निंग को एक ट्वीट देखती हूँ, ये सैटरडे की बात थी, मंडे मॉर्निंग को ट्वीट देखती हूँ, एक कलीग मेरा ट्वीट करता है तो उस पर लिखता है कि फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर हैव बीन बुक्ड अंडर दिस लॉ, टेरर लॉ, एंटी टेरर लॉ। तो आई वॉज क्लूलेस व्हाट इज़ UAPA बिकॉज आई एम नाउ न्यू इनटू दिस फील्ड, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था, तो मैंने जल्दी से गूगल किया व्हाट इज़ UAPA। आई वॉज वेरी शॉक्ड, अब क्या करूँ। जो आपका फ़ोटो वहाँ उन्होंने दिखाया था, SP साइबर क्राइम पुलिस ने लिखाया था कि उसका कुछ फ़ोटो था, वो क्या था, क्या वो गलत था आपके नज़र से? जी, जो उन्होंने वो पिक्चर अपलोड की थी वो एक मुहर्रम प्रोसेशन की पिक्चर थी, जो शियती मॉर्नर्स होते हैं तो वो 8th मुहर्रम की पिक्चर थी। फ्रॉम वही आपने अपलोड की थी? जी, वो मैंने अपलोड की थी, वो पब्लिश भी हो चुकी है, गेटी इमेज का वाटर मार्क है उस पर, सो वो पब्लिश भी हो चुकी है। तो वही मैंने वो पहले पब्लिश हो गई, उसके बाद मैं अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड की, तो वो मैंने 2018 में पब्लिश अपलोड की है सोशल मीडिया हैंडल पे। तो आपका कहना है जो 2018 की जो तस्वीर है, पिक्चर है, उसी पे आपको उन्होंने एंटी टेरर लॉ के तहत बुक किया? जी, उन्होंने बोला कि 3-4 पोस्ट आपके ऐसे हैं जिनसे ऐसा लगता है कि आप इंड्यूस कर रही है यूथ को। वही वो कहता कुछ एंटी नेशनल हैं वो, क्या आपको आप? आई डोंट थिंक दैट, आई एम जस्ट अ फोटो जर्नलिस्ट, आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट हु इज डिस्पर्सिंग हर प्रोफेशनल ड्यूटीज, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मैं किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मेरा मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, बस मैं एक पत्रकार हूँ, उस ना उससे कुछ ज़्यादा ना उससे कुछ कम, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। आपको उन्होंने
तफ्तीश के लिए बुलाया, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, तो क्या हुआ उस क्वेश्चनिंग के दौरान, कितने देर आप वहाँ जी? मैं ऑलमोस्ट एक घंटे तक वहाँ थी। क्या पूछा उन लोगों ने आपसे? जी उन्होंने कुछ काम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे एंड मैंने लाइक ब्रेवली जवाब दिया क्योंकि देर वॉज नॉट एनी थिंग रॉन्ग आई वॉज डूइंग, तो मैं कुछ डरी हुई नहीं थी क्योंकि मैंने अपना बस काम किया था। आई वॉज श्योर दैट आई एम ऑन द राइट वे, मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे मैंने सीधे से जवाब दिया एंड दे सेड दैट वी हैव लॉज्ड एन FIR सो वी विल इन्वेस्टिगेट। ओके, तो उसके बाद दो और पत्रकारों को पे भी FIR दर्ज किया गया है। हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पीरजादा आशिक और उसको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उसके बाद गवहर गिलानी को भी बुलाया गया। तो आपको क्या लग रहा है क्यों ये हो रहा है एक साथ ऐसा जब पेंडेमिक है यहाँ? मुझे लगता है कि शायद जर्नलिज्म को साइलेंस करवाना चाहते हैं कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हालात हैं, क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग आवर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, हम ट्रूथफुली अपना काम करते हैं, तो शायद उनको कुछ ऐसे खदशात होते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हम बात आगे पहुँचाएं। मेरे साथ हैं गवहर गिलानी, आपके खिलाफ एंटी टेरर चार्ज जो UAPA के तहत लगे और आप हैंसर हैं, क्या खौफ नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर सकते हैं? देखिए मतलब वो यहाँ तो अब जो खौफ का साया जो है वो खैर यहाँ तीन जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर वो भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भी जेल में थे, फारूक अब्दुल्ला भी जेल में थे, अभी महबूबा मुफ्ती नज़रबंद हैं, तो बाकी जो दूसरे नज़रियाती खेमे के लोग हैं वो भी बंद ही हैं। तो ये बंद रहना ये तो मतलब किसी ने कहा था कि ये एक खूबसूरत जेल भी है कश्मीर, तो हंसी मुझे उस पर नहीं आ रही है, हंसी मुझे इस पर आ रही है कि किन जो वजूहात दी गई हैं। तो जिस तरह से अगर जो मेरी किताब है जो गुज़श्ता बरस पब्लिश हुई तो उसमें जितने भी 30 बरसों से लेके ख़ासकर जो मीडिया को लेकर एक चैप्टर है उसमें मैंने कहा है कि किस तरह से जो जर्नलिस्ट है वो किस तरह निशाना बनाए गए स्टेट की तरफ से भी और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी 90s में, और उसके बाद 95-96 की दहाई में जब वो एक दौर आया जब काउंटर इंसर्जेंट एक जो ग्रुप था उसने किस तरह सताया जर्नलिस्ट को। तो ये हमारे लिए सहाफ़ियों के लिए और लेखकों के लिए ये आज की बात नहीं है, 30 साल से ये चला आता है सिलसिला और अब अगस्त से इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये मेरी बात नहीं, ज़ात की बात नहीं है कि और को या पीरजादा आशिक को या मुसर्रत जहरा को किया गया है, ये तो जर्नलिज्म पे एक वार है, ये सहाफत पे वार है, कहने सुनने पे वार है कि आपके पास क्या होता है, आपके पास शब्द है, मेरे पास भी शब्द हैं, हमारे पास हथियार नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं आप शब्द भी माँ कहें, आप कहें कि जो फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो कि आपको बताना कि बिल्कुल ट्यूलिप्स हैं, सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल। तो अगर आप नहीं कहेंगे, आप लोगों की स्टोरीज़ कहेंगे, आप देखेंगे कहीं आप उसको, तो आप अपनी नज़रें बंद नहीं करेंगे, तो आप जब जो ही आप ग्राउंड रियलिटी लिखेंगे तो आपको बोलेंगे कि आप तो बड़े जो भी वो कहते हैं। लेकिन जिस तरह बताया कि जो आप जो टेररिज्म फैलाने की बात करें तो काफ़ी संगीन इल्ज़ाम है आप पे, तो कुल मिला के जब एक देखा जा सकता है तो एक माहौल जैसे प्रेस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बताया है कि जैसे ये टेरर वो फैलाने की बात है जर्नलिज्म पे। ये देखिए आप पहली बात तो हमें ये देखनी चाहिए कि जो जर्नलिस्ट होता है या राइटर होता है या कमेंटेटर होता है उसका क्या काम होता है। हम स्टोरी टेलर्स हैं बेसिकली, बुनियादी तौर पर हम वी आर स्टोरी टेलर्स, और स्टोरी टेलर का क्या काम होता है, आपका काम होता है लिखना, एनालाइज करना एक कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिसिटी के साथ, और आप क्या करते हैं एनालाइज करने के बाद आप तबसरा भी करते हैं, कॉमेंट्री भी करते हैं। तो ये आपका जॉब है। ये आप कहते हैं कि आप लिखे नहीं, तो इनको ये भी बताना चाहिए कि फिर अगर हम लिखेंगे नहीं तो आप दूसरा काम दे दीजिए, तो फिर या तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी डाल दीजिए जहाँ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताएगी जर्नलिज्म कैसे किया जाता है, तो या तो वो देखना पड़ेगा या ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से माहौल बनाया गया है कि जो भी आपकी सोच से मुताबिकत ना रखता हो। जैसे एक शेर मुझे याद आया फराज़ का कि इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हमारा नैरेटिव चलेगा या जो इस वक्त जो बरसर इक्तदार जो जमात है कि आपको सिर्फ उनकी तारीफ़ करनी है, अगर वो जर्नलिज्म है तो ये भी बताएं, फिर सिलेबस चेंज कर दें सारा जो जर्नलिज्म क्या होता है। तो उन चीज़ों में मुझे पहले कहीं हद तक चेंज हो भी चुका है मुल्क में, लेकिन इस तरह से पत्रकारों पर जो जिस तरह के
इल्ज़ाम लगाए गए हैं या इन पे केस डाले गए, तो उस पर पत्रकारिता पे आपके नज़दीक क्या असर पड़ सकता है और आपके पे भी क्या असर पड़ रहा है कि आपको कभी भी गिरफ्तार भी कर सकते हैं? देखिए, असर बहरहाल जो पड़ेगा वो कहते हैं ना कि रजीम्स कम एंड गो, रजीम्स आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मुझे लगता है कि जर्नलिज्म विल स्टे, सेंसरशिप वोंट। तो ये एक सेंसरशिप का जो माहौल है, एक और शेर मुझे याद आया जालिब का कि कहते हैं कि वो हक में लोगों की तो हमारी है आदत लिखना। तो हम क्या करेंगे, ये तो मतलब जर्नलिस्ट जाएगा बाहर कुछ भी देखेगा वो वही लिखेगा, लोग जो कहेंगे, जो सब हर एक पक्ष की बात रखेगा वो। तो मत ऐसा नहीं है कि आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा तो आप स्टेनोग्राफर की तरह वही बोली बोलें, जो जिस तरह कुछ टेलीविज़न चैनल्स आप जानते हैं, अच्छी बात है कि आपकी टेलीविज़न चैनल वैसी नहीं है, लेकिन जो बाकी 9 बजे जो लगता है एक बंदर और मदारी का जो नाच होता है, तो उस तरह तो पत्रकारिता नहीं होगी। तो जो भी उससे एग्री नहीं करेगा तो उनके खिलाफ तो ऐसे ही होगा। इस मामले में भी निंदा करके औपचारिकता निभा दी गई और किनारे कर दिया गया है। मार्च के आखिरी हिस्से में जब दिल्ली के निजामुद्दीन से तबलीगी जमात की खबरें आई तो कई अखबारों और न्यूज चैनलों में झूठी खबरें और अफवाहें चलाई गईं, थूकने को लेकर खबरें छापी गईं ताकि एक समुदाय संप्रदाय के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो जाए। नफरत तो पहले से थी ही, इस बार कोशिश थी कि घृणा पैदा हो जाए, और वो दीवार महानगरों में ही नहीं गांव-गांव के भीतर, कस्बों, मोहल्लों और पड़ोस में मजबूत हो जाए। कैरवां की ये खबर देखिए, झारखंड के कई बड़े हिंदी अखबारों में थूकने से संबंधित झूठी खबरें छापी गईं और ना जाने कितने पाठकों ने इस पर यकीन कर लिया होगा। इसी तरह ऑल्ट न्यूज ने भी ऐसी कई खबरों का संकलन किया है, इनकी वेबसाइट पर ऐसी तमाम खबरें मिलेंगी। एक समुदाय को बदनाम करने और उनके प्रति आम लोगों में घृणा पैदा करने के लिए चैनलों और अखबारों में थूकने को लेकर कई तरह की गलत खबरें आई। जमात को लेकर भी गलत खबरें चली। इसका असर यह हुआ कि सांप्रदायिक जहर को सही मानते हुए कई जगहों पर लोगों ने गरीब मुसलमान सब्जी वालों से सब्जी लेना बंद कर दिया। यह काम गोदी मीडिया ने सफलतापूर्वक किया है। किसी को इसमें यह खतरा नहीं दिखा कि यह पत्रकारिता नहीं है, भारत के सामाजिक सौहार्द से खिलवाड़ है। निंदा करने की औपचारिकता निभा दी गई है, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कई जिला प्रशासन ने ट्वीट कर इन मीडिया चैनलों और अखबारों के खबरों की निंदा की, खंडन किया, उसके बाद भी इनके खिलाफ UAPA जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अव्वल तो इतनी सख्त कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी, मगर दूसरे और रास्ते थे। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और राजनीति ने झूठ की ऐसी संरचना बना दी है कि आप सत्य बोलते हुए थक जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। झूठ ही आज के गोदी मीडिया का सच है। क्या झूठ और नफरत फैलाने वाले इन चैनलों और अखबारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी, आप जानते हैं। दुनिया भर में COVID-19 से मरने वालों की संख्या 1,70,000 हो गई है। कई देशों में शोक की गंभीर स्थिति है। आप कोई ना कोई विदेशी चैनल देखते ही होंगे। आप उन चैनलों पर जाइए और देखिए कि COVID-19 के कवरेज किस तरह से हो रहा है। आप पाएंगे कि एंकरों की भाषा बेहद शालीन है, शोकाकुल है, विनम्रता से भरी हुई है और आम तौर पर झलकने वाली आक्रामकता गायब है। ये वो देश हैं जो विश्वगुरु बनना भी नहीं चाहते, ना इन्हें पता है कि CBSE की कौन सी परीक्षा में बैठकर पास होकर विश्वगुरु बना जाता है, लेकिन भारत विश्वगुरु बनना चाहता है। तो आप भारत के न्यूज़ चैनलों को देखिए कि वहाँ कोरोना का किस तरह से कवरेज हो रहा है, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आप पाएंगे कि झूठ और नफरत के अलावा हिंसा और आक्रामकता इतनी ज़्यादा है जो इस माहौल के अनुकूल नहीं है। किसी भी स्थिति में, या तो बोलने में, वाणी में, या फिर करने में, हिंसा की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। ऐसे पत्रकार जिनके पास मीडिया का आई कार्ड है लेकिन पत्रकारिता नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक स्वर से, समवेत स्वर से निंदा होनी चाहिए। मैं रोज ऐसी हिंसा और हमले के साए से गुजरता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ये उचित नहीं है, इसलिए नहीं होना चाहिए। ये जांचने परखने के बाद आप फिर से जम्मू कश्मीर के उन पत्रकारों की तरफ आइए जिनके खिलाफ UAPA लगाए गए हैं,
और आप खुद को टेस्ट कीजिए कि क्या आपके भीतर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। आप पाएंगे कि बहुत से लोगों के भीतर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत साल पहले प्राइम टाइम में ही मैंने बता दिया था कि किस तरह टीवी चैनलों के जरिए आप दर्शकों की स्वतंत्र चेतना को घेरकर एक कुएं में बंद किया जा रहा है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। आप ये हिस्सा देख लीजिए। पूरी दुनिया में मीडिया सत्ता की गोद में खेल रहा है। ये मीडिया गोदी मीडिया है। अंग्रेजी में इसे एम्बेडेड जर्नलिज्म कहते हैं। हिंदी में कोई शब्द नहीं था, इसलिए इसे आप गोदी मीडिया कह सकते हैं। वो मीडिया जो गोद में बैठना पसंद करता है। टीवी के जरिए आपकी धारणा को, सोच को, आपके दिमाग में छवि को नियंत्रित किया जा रहा है। आखिर क्या बात है कि दो चार मुद्दों के आसपास ही तमाम चैनल साल भर बहस करते हैं। इतना बड़ा देश, दुनिया भर में टीवी को मैनेज करना अब सरकार और चुनावी रणनीति का हिस्सा है। मैं बहुत दिनों से एक एनिमेशन पर काम कर रहा था। हमारे ग्राफिक्स कलाकार ईशान ने मेरे मन लायक बना ही दिया, तो सोचा आज उसको ज़रूरत से पहले आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपके साथ, मतलब आप दर्शक के साथ क्या होने जा रहा है। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है। अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई, कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे। सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल दो चार मुद्दों के आसपास ही दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल, दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है। वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है। आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है जो आप देख रहे होते हैं। वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहां बैठे बैठे दर्शक को अब दो चार बातें ही मालूम हैं, या वही मालूम है जिसे बताए जाने का फैसला हुआ है। इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए हैं। मौत का कुआं आपने देखा होगा मेले में। ये जो आप देख रहे हैं, लोकतंत्र में जनमत की मौत का कुआं है। तो अब लेंगे ब्रेक। ब्रेक से जब लौटेंगे तो देश के कुछ हिस्सों में जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसे लेकर बहुत शिकायतें आ रही हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन एक दुखद समाचार ये है कि मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली नहीं रहीं। रंगकर्म की दुनिया से जुड़े लोग उनका महत्व जानते हैं, उनके काम का इतिहास और असर जानते हैं। ब्रेक के बाद। देश भर से आपने क्वारंटीन सेंटर के भीतर की अव्यवस्थाओं से जुड़े कई वीडियो देखे होंगे। एक ऐसा ही वीडियो हमें नोएडा से मिला है जो वहां क्वारंटीन पर रखे गए डॉक्टरों ने ही भेजे हैं। नोएडा के सत्यम मेडिकल सेंटर के कुछ मेडिकल स्टाफ को गुलगोटिया यूनिवर्सिटी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनमें से कुछ स्टाफ ने ही हमें ये वीडियो भेजा है। इनका आरोप है कि यहाँ सुविधाएँ खास नहीं हैं। बाथरूम से लेकर कमरे की सफाई बहुत अच्छी नहीं है। एक स्टाफ ने यह भी कंप्लेन किया कि रात को दवा खाने के लिए पानी नहीं था। दरअसल सत्यम मेडिकल सेंटर में डिलीवरी करने आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद वहां के स्टाफ को यहां रखा गया है। तैयारी के हमें यहाँ भेज दिया, एक दिन में 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो 3-3 दिन से हैं। हाँ, 6-6 दिन से, और किसी किसी का रिपोर्ट एक दिन में ही आ रहा है।
ये कमरे जाने में कितने गंदे को झाड़ू सफाई कर रहे हो, कुछ देखने वाले नीचे से वहाँ छोड़ देते हैं, फलाने नंबर कमरे चले जाइए, उस कमरे में क्या है नहीं है, डस्ट है, गंदगी है, क्या है, कोई देखने वाला नहीं है, उसी पे सोई है, बैठी है, घर से अच्छे आए हो तो भी जाके बीमार हो जाइए, चेकअप के लिए आए हो, बोला आप हॉस्पिटल पहुंचिए आपको वहाँ खाना मिलेगा, यहाँ आए तो कोई खाना नहीं मिला, चाय नहीं मिला। डीएम ऑफिस से कॉल आ रहा है, वो पूछ रहे हैं आप लोगों का क्या व्यवस्था, कैसा है आप लोगों का खाना, टाइम से मिल रहा है खाना, सारा कुछ स्वस्थ हो रहा है, रूम सफाई हो रही है, सारा मेडिकल स्टाफ है वो हमारे पास इतने इक्विपमेंट होते, जब हम वहाँ सेफ नहीं है तो यहाँ हॉस्पिटल से मेडिकल स्टाफ है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने हॉस्पिटल से आई हूँ, जब हम सेफ ही नहीं है तो यहाँ क्यों, इसे तो हम अपने हॉस्पिटल में सेफ थे, हमें यहाँ पे लाके क्वारंटाइन कर दिया कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एक डॉक्टर मतलब मेडिकल स्टाफ के साथ ये हाल है तो अगर हमारी बेचारी आम जनता के साथ क्या हाल होगा, ठीक है, इस चीज़ की जल्दी से सुनवाई हो, या तो हमें चेंज करें यहाँ से क्वारंटाइन, नहीं तो यहाँ पे हमें सबको पैसे दे देंगे, यहाँ बीमार हो जाएंगे तो कौन कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। बरेली में COVID-19 के इलाज से जुड़े पैरामेडिक्स और डॉक्टर को एक ऐसी जगह ठहराया गया, वहाँ इतनी अव्यवस्था थी कि अगर वो खुद वीडियो बनाकर वायरल ना करते तो व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता। अब डॉक्टरों को अच्छी जगह पर ठहरा दिया गया है, लेकिन एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी इन्हें ऐसी जगह पर क्यों रखा गया? रात में 3 बज रहा है, लाइट चली गई है, पंखा कुछ नहीं, और आपको यहाँ के बाथरूम का हाल दिखाते हैं अब, जो बहुत ही कॉमन शेयरिंग में बने हुए हैं बाथरूम, उसको जरा कृपा करके देख लीजिए। ये यूरिनल है बिना उसके, ये लैट्रिन आप देख रहे हैं, जाम है, ये देखिए, एक में ही सब कुछ, पूड़ी भी, नीचे सब्जी पड़ी हुई है, वो वाला भी खोलो, खोलो, ये खाना है एक्टिव क्वारंटाइन का। बछरावा के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल में रायबरेली में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन किया गया, लेकिन डॉक्टर्स वहां की बदइंतजामी से इतना नाराज हुए कि उन्होंने इसका शिकायती वीडियो बना के लोगों को भेजना शुरू किया। सोने की व्यवस्था ऐसे दी गई है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में बड़े बड़े क्लासरूम हैं और उस क्लासरूम में 4 बेड लगा करके दे दिए गए हैं, जो कि एक्टिव क्वारंटाइन के लिए टोटली गलत है। उसके अलावा यहाँ 3 बाथरूम हैं जो जेंट्स के लिए हैं, तीनों चौक हैं। हम लोगों की शिकायत पे एक सचल शौचालय बाहर खड़ी कर दी गई है, यहाँ के जो मेल स्टाफ उसको यूज़ करेंगे, यहाँ नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, रात भर लाइट नहीं थी और सवेरे से नाश्ता पानी कुछ नहीं आया, पीने का पानी एक भी नहीं, एक बॉटल आया 20 लीटर का 11:30 बजे, जो कहा गया कि 25 लोगों के स्टाफ में एक बॉटल पर डे दिया जाएगा। ये इसके साथ ही डॉक्टर्स ने अपने रहने वाली जगह के वीडियो भी शूट किए और उसको वायरल किया। उन्होंने सीएमओ को एक खत लिखकर भी इसकी शिकायत की। डॉक्टर्स ने खत में शिकायत की कि जिले के सीडीओ का कहना है कि इससे बेहतर सुविधा उन्हें नहीं दी जा सकती। ये हमारे यहाँ के प्रशासन के द्वारा L1 जितने मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए ये 5 स्टार क्लास की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, और पंखा कुछ नहीं, ये एक्टिव क्वारंटाइन का लंच आया है, खाना आया है, इसको खोलो, खोल के देखो कैसे क्या आया है, ऐसे जो है पैक होके आया है डॉक्टर्स के लिए या एवं पूरे स्टाफ के लिए जो कोरोना के जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके लिए ये खाना दिया जा रहा है रायबरेली के L1 कोरोना सेंटर में। बहरहाल इसके बाद उनके रहने का बेहतर इंतजाम कर एक गेस्ट हाउस में उन्हें रुकाया गया। अब डॉक्टर उससे खुश हैं। तो मैंने भी उस जगह का निरीक्षण किया तो मुझे वो स्थल संतोषजनक नहीं लगा, मेडिकल टीम के लिए और पैरामेडिकल टीम के लिए, तो उसमें प्रशासन के सहयोग से गीतांजलि गेस्ट हाउस में अब एक्टिव क्वारंटीन की व्यवस्था कराई गई है। वह अब वहाँ पर उनको ताज़ा और बढ़िया खाना उपलब्ध हो सके इसके लिए भी मैंने वहाँ पर व्यवस्था करा दी है,
ताकि रहने और खाने को लेकर के जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ का संतोष था वो ना रहे और वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के और अपने पूरा जो उनका कार्य है सेवा कार्य उसमें पूरी तरह से वो जुटे। कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को क्वारंटीन करने के लिए तमाम नियम कायदे हैं कि वो अलग कमरे में रहेंगे, अलग टॉयलेट यूज़ करेंगे, 3-3 घंटे में उनके रहने की जगह सैनिटाइज की जाएगी। यही वजह है कि लखनऊ में ऐसे तमाम 5-स्टार होटल्स जो हैं अधिग्रहित किए गए हैं उनके रहने के लिए। रायबरेली में भी उन मानकों को पूरा करना बहुत ज़रूरी था जो शुरू में नहीं किया गया। रायबरेली में फैज़ अब्बास और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कोविड-19 से जुड़े हर दिन कहीं ना कहीं सरकारी ऐलान होते रहते हैं, कई सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ सूचनाओं का सारांश आप तक पेश किया जाए। कोरोना संकट की मार सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ गई है। केंद्र सरकार ने अपने 54 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को रोक दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 21% करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना संकट से निपटने के लिए पूंजी जुटाने की खातिर इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को इससे 37,000 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। केंद्र का अनुमान है कि अगर राज्य सरकारें भी इस पर अमल करें तो देश भर में 1.2 लाख करोड़ रुपए कोरोना से निपटने के लिए बचाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह है कि 4 मई से लॉकडाउन में अलग अलग चरणों में ढील दी जानी चाहिए। 4 मई के बाद पहले हफ्ते में 25% और उससे अगले हफ्ते में 50% लॉकडाउन खत्म किया जाना चाहिए। NDTV से बातचीत में ममता ने कहा कि रेल और हवाई यातायात 4 मई से आगे भी बंद रहना चाहिए। इसके अलावा कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स पर खास ध्यान बनाए रखने की जरूरत भी उन्होंने जताई। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र सरकार का दावा है कि कोरोना पॉजिटिव मामलों से जुड़े राज्यों में से सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें 80% केस हैं। ये 7 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इनमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं, इसके बाद गुजरात और दिल्ली का नंबर आता है। सबसे चिंताजनक स्थिति गुजरात की है जहां एक हफ्ते में करीब 4 गुना केस बढ़ गए हैं। अकेले अहमदाबाद में गुजरात के 62% केस हैं और गुजरात की 60% मौतें अहमदाबाद में ही दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर भी चिंता का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के करीब 1600 कोरोना पॉजिटिव मामलों में से 900 मामले इंदौर से हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों में से 65% मौतें अकेले इंदौर में हुई हैं। इस बीच देश के 3 राज्य ऐसे हैं जो कोरोना से पूरी तरह मुक्त हैं। इन राज्यों में अब कोरोना का एक भी केस नहीं है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा। ICMR ने रैपिड टेस्ट किट्स पर रोक अभी बढ़ा दी है। उसका कहना है कि इस सिलसिले में अभी फील्ड से रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि अब तक कोरोना के 5 लाख टेस्ट हो चुके हैं और अब हमारी टेस्ट क्षमता 33 गुना बढ़ गई है। सरकार का दावा है कि कोरोना से जुड़े अस्पताल 3.5 गुना बढ़े हैं और आइसोलेशन बेड्स की संख्या भी 3.6 गुना बढ़ी है। इसके अलावा टेस्ट और मरीजों का औसत 4 से 4.5% है। केंद्र सरकार का दावा है कि कोरोना वायरस से लड़ने की उसकी रणनीति दुनिया के कई विकसित देशों से बेहतर साबित हुई है। देश में कोरोना से निपटने की रणनीति हर रोज जरूरत के हिसाब से बदली भी जा रही है। आज लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हुए और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिंदगी कैसे बचाएं और लोगों को ठीक कैसे करें। एक अहम हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग, और व्हेन आई से टेस्टिंग इट इज RT-PCR टेस्टिंग जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। अब अगर हम टेस्टिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 23 मार्च को हमने पूरे देश में
14,915 टेस्ट किए थे। ऑन दिस 22nd ऑफ अप्रैल वी हैव डन मोर देन 5 लाख टेस्ट। इफ यू डू अ रफ कैलकुलेशन इट इज अबाउट 33 टाइम्स इन 30 डेज। बट वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज नॉट इनफ एंड वी हैव टू कंटिन्यूअसली गो मूव अहेड एंड रैंप टेस्टिंग इन दिस कंट्री। इस अवधि में हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है और हमें उस बात को ध्यान में रखना है जब आप अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या हॉस्पिटल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। हाथ साफ रखिए, नकाब पहनिए, तन से दूरी, देह से दूरी, आपसी दूरी 6 फीट की रखिए। हमें सतर्क रहना है, ढीला नहीं होना है। नमस्कार।